कांग्रेस के शिरडी में चल रहे चिंतन शिविर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक विकास ठाकरे ने एक व्यक्ति के एक पद फॉर्मूले पर अमल करते हुए नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राजेंद्र मुलक ने ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं के इस्तीफे की घोषणा कांग्रेस महासचिव एच.के. पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिरडी में की। एन मनपा चुनाव के पहले विकास ठाकरे द्वारा शहर अध्यक्ष पद छोड़ने से उनके समर्थकों में खलबली मच गई। उल्लेखनीय है कि जयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले पर अमल करने का फैसला किया गया था। महाराष्ट्र में सबसे पहले इस फॉर्मूले पर प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान ने अमल करते हुए कांग्रेस की प्रचार समिति से इस्तीफा दिया था। उनके बाद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया और आज शिरडी में चल रहे प्रदेश कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में विकास ठाकरे और राजेंद्र मुलक ने अपना इस्तीफा दिया। शिरडी से विधायक विकास ठाकरे ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए युग धर्म को बताया कि उन्होंने जयपुर अधिवेशन के दौरान ही नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे की घोषणा आज शिरडी अधिवेशन में की गई। राजेंद्र मुलक विगत 5 वर्ष से अधिक समय से ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विराजमान है। जयपुर अधिवेशन में यह भी तय किया गया था कि कार्यकाल समाप्त होने वाले नेता भी अपने अपने पद को छोड़ेंगे। इसी के चलते मुलक ने ग्रामीण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उल्लेखनीय है कि अब जल्द ही नागपुर शहर और मनपा ग्रामीण को नए अध्यक्ष मिलेंगे। चूंकि नागपुर मनपा चुनाव सिर पर है, अतः नाना पटोले इस बारे में आलाकमान से चर्चा कर जल्द ही नागपुर शहर और ग्रामीण को नया अध्यक्ष देंगे। भले ही विकास ठाकरे ने एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत अपना पद छोड़ा है, लेकिन इस कदम से उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने पिछला मनपा चुनाव विकास ठाकरे के नेतृत्व में ही लड़ा था। अब यह देखना रोचक होगा कि नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुतेम्वा गुट से बनता है या फिर किसी अन्य गुट से। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।